आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मैट्रिसेस। पहली चीज है कि मैट्रिक्स कहते किसे है, ये जानना हमको जरूरी है। इसकी डिफिनीशन है, ए मैट्रिक्स इज ए इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस डी नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, जो उसमें नंबर या फंक्शंस होंगे वही उसके एलिमेंट या एंट्रीज कहलाएंगी ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की क्या कहलाएंगी, एंट्रीज या एलिमेंट। जैसे हमने एक मैट्रिक्स यहां पे लिख रखी है, ये 3 5 2 4 6 1 8 9, ये एक मैट्रिक्स हमने लिखी, ये क्या कहलाएंगी, इसमें रोज कहलाएंगी। रोज किसे कहें हम आपको बता दे रहे हैं, जो नीले रंग से हमने लाइनें खींची हैं ये रोज कहलाएंगे। ये रोज, ये क्या है, रो है। और कॉलम्स कौन से कहलाएंगे, जो लाइन आपको हरे रंग की दिखाई गई है ये कॉलम कहलाएंगे। ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। अगर हम इसको लिखना होगा कि किस टाइप की मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, तीन रोज, रोज इज इक्वल टू 3, कॉलम्स कॉलम भी, तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, यानी 3 रो और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, यही इसका भी मैट्रिक्स का कार्य आएगा। तो ऑर्डर क्या कहलाएगा, 3 3 कहलाएगा। तो अगर हमको ऑर्डर लिखना हुआ, ए मैट्रिक्स हैविंग हैविंग
यम रोज एंड यन कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यम गुणे यन, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यम गुणे यन, यम गुणे यन का ऑर्डर का वो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मिया ये आईसीएसई बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का नहीं है, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार की मैट्रिक्स है, अगर खाली रो होगा तो उसे रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ हैज ओनली वन रो, इट हैज ओनली वन रो, एक रो रखे तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स बन दिया है 3, 2, 5, ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? रो मैट्रिक्स कहलाएगी। और कॉलम मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब उसमें केवल एक कॉलम हो। ए मैट्रिक्स सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, अगर कॉलम एक हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये जो है 3, 2, 5 ये कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इसका ए मैट्रिक्स इज सेड स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इफ इट हैज सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज, सेम नंबर ऑफ एंड रोज, अगर उसके कॉलम और रोज की संख्या आपस में बराबर है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ए बराबर हमने लिखा 1, 2, 3, 4, ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान है, इसके सेम नंबर ऑफ कॉलम और वो जो है आपस में बराबर होंगे। अगला है ए मैट्रिक्स इज सेड टू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज ऑफ
आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे हमने ए बराबर लिख दिया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 3 है, तो ये नंबर ऑफ, ये कैसे कहलाएगी, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अब आपको सवाल देखते हैं, हम यहाँ पे आपको सवाल बताते हैं कैसे हल होंगे आपकी क्लास के। अब एक्सरसाइज 8.1, एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज 8.1, देखिए पहले में बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इनको क्लासिफाई करना है कि किस प्रकार की मैट्रिक्स है, वो आप कर लेंगे। ठीक है, पहला सवाल हम क्या कहते हैं कि आपको लगाने के लिए छोड़ दे रहे हैं, दूसरा सवाल भी उसी तरह का है, उसमें भी यही सब करना है, तीसरे में भी यही करना है, चौथे सवाल से हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 4 से ही सवाल लगाना है, 3 तक आप अपने आप लगा सकते हैं पढ़ के, क्या कहते हैं डिफिनीशन अगर आपको आएगी तो आप आराम से लगा लेंगे। अगला है, चौथा क्वेश्चन है 2x + y, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दे रखा है मैट्रिक्स में 2x + y और ये है 3x - y, मैट्रिक्स अलजेब्रा में आती है 5 और 4 बराबर दिया है, लाइन नहीं खींचा, 5 और 4 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर के बराबर है और ये वाला नंबर नीचे वाले नंबर के बराबर है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं 2x + y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा हो जाएगा 3x - y = 4, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, हमने समीकरण को हल करने के एलिमिनेशन मेथड को पढ़ा है, उसको लगा लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एडिंग, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर दे रहे हैं, एडिंग, जोड़ दिए, वाई से वाई कट गया, यहाँ क्या बचा, 2x + 3x मिलके कितना हो गया, 5x = 5, 4, 9, तो x बराबर हो गया 9/5। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, 1 में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जोड़ देंगे, रख देंगे, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 2x + y = 5, 2x + y = 5, 2 × 9/5 प्लस वाई बराबर 5, 18/5 घटा देंगे, y = हो जाएगा 5 - 18/5, दिस इक्वल टू हो जाएगा 25 - 18/5, ये हो जाएगा 7/5, हमारा आंसर आ गया x = 9/5 और y = 7/5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5,
मैट्रिक्स है, ये कह रहा है 3x प्लस वाई और इधर दिया है माइनस वाई, ये है 2y माइनस x और ये दिया है 3। इक्वल टू वन टू माइनस फाइव और 3, ये दे रखी वैल्यू। अब इसकी कंपेरिजन करें, जब दोनों इक्वल दिया है तो मैट्रिक्स में होगा क्या, देखिए 3x प्लस वाई ये इसके मान के बराबर होगा, 1 के मान के बराबर होगा, कहाँ x बराबर 2 बता रही है y बराबर 1। फोर्थ क्वेश्चन में जब तुम लगाई हो तो 2x प्लस y बराबर 5 है, तो 2x प्लस y बराबर 5, 3x माइनस y बराबर 4। हम क्या किए हैं, दोनों को ऐड कर दिए एलिमिनेशन मेथड से, तो x y का मान कट गया, x कितना हो गया 2 और 3 5, x बराबर 9 के, तो x बराबर हो गया 9/5 और ये 9/5 आएगा ही आएगा। आंसर आपका गलत दिया है, आप देख लीजिए हल करके, और इसकी वैल्यू 1 में रखेंगी तो 2x प्लस y बराबर 5, तो x की वैल्यू 9/5 रखेंगी तो 18/5 उधर आके घटेगा और ये हो जाएगा 7/5। आंसर हमारा 100% सही है, आप आंसर को रखिए क्वेश्चन पे, आंसर आपका मिलेगा मैट्रिक्स में, वो आंसर मैट्रिक्स का गलत दिया है पहले क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए दूसरा जो है 3x प्लस y को 1 के बराबर माना और ये जो है इसके मान के बराबर हो जाएगा -5 के। अब इसी तरह सिमिलरली दूसरी चीज जो है ये -y जो है ये 2 के मान के बराबर होगा और ये 3 जो है 3 के मान के बराबर होगा। यहाँ पे बराबर देने से ये चीजें आई हैं, तो अब देखिए क्या है 3x प्लस y समीकरण क्या बन रहा है, समीकरण ये बन रहा है 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 और दूसरा बन रहा है 2y माइनस x इज इक्वल टू 3 और एक तीसरा समीकरण हमारा जो बन रहा है वह बन रहा है -y बराबर 2 और 3 बराबर 3 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो -y की वैल्यू 2 के बराबर है, हमको कह रहा है कि पांचवे क्वेश्चन में y की वैल्यू x की वैल्यू निकालो। अब -y बराबर 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर y की वैल्यू हमको निकालना रहे तो क्या होगा, तो y बराबर हो जाएगा -2। अब ये हम क्या करते हैं, अगर यहां समीकरण क्या कहते हैं 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो हम इसकी y की वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 1 में अगर हम पुट कर दें तो क्या देखेंगे, 1 का मान है 3x प्लस y बराबर 1, 3x प्लस y बराबर 1। अब यहां से क्या निकल जाएगा, 3x और y की वैल्यू क्या है -2 बराबर 1, तो 3x बराबर 3, -2 इधर आके प्लस का हो गया राइट हैंड साइड में, x इक्वल टू हो जाएगा 3/3, दिस इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1
वाई की वैल्यू आ गई माइनस टू। अब देखिए हम यहाँ पे समीकरण दोनों को हल कर देते हैं, एक्स की वैल्यू वन है तो तीन में से दो जाएगा तो एक आएगा, ये हमारा आंसर सही है। और यहाँ पे वाई की वैल्यू माइनस टू है तो माइनस दो दूनी के चार, माइनस चार हुआ और माइनस दो गुड़े माइनस दो तो ये कितना हो जाएगा माइनस फोर, और माइनस फोर में से आपका एगो ये जो है वन निकल जाएगा, माइनस वन ये भी आ जाएगा तो माइनस फाइव आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आपका टेली नहीं करेगा। अगर इन दोनों समीकरण को हल करते हैं तो एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं तो इससे भी निकल जाएगी, लेकिन हमने वाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर ली है, थ्री एक्स प्लस वाई बराबर वन, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू वाई बराबर थ्री, और इसको अगर ले जाए ये हो जाएगा एक्स बराबर टू वाई माइनस थ्री। अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा टू वाई माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस वाई बराबर वन, तो तीन दुनी के छः वाई माइनस तीन तरीके नौ प्लस वाई बराबर वन, ये हो जाएगा सेवन वाई बराबर दस, तो वाई बराबर आ रहा है दस बाई सेवन। ये नहीं है, ये आंसर मत लेना, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, इसकी वैल्यू जो हमने बताई है ये वैल्यू आएगी माइनस टू और एक, क्योंकि एक्स की हमने कंपेरिजन किया है राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के मान के बराबर आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कह रहा है एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री और ये वाई माइनस फोर, ये है फोर और ये है एक्स प्लस वाई, उधर है बराबर फाइव थ्री फोर नाइन, फोर नाइन कंपेरिजन करेंगे, ये मान इसके मान के बराबर होगा, ये मान इसके मान के बराबर होगा, और ये वाला नाइन के मान के बराबर होगा, अब फोर वाला फोर के मान के बराबर होगा, क्योंकि बराबर में जो मैट्रिक्स लिखी गई हैं इनके मान भी क्या होंगे, आपस में बराबर ही आएंगे, जिस तरह से लिखी गई है उसी तरह हम क्या करेंगे इसको हल कर लेंगे। ठीक है, हल करने के लिए यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, आपको बता दे रहे हैं। अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या होगा, पहले वाले को लिखें तो x प्लस थ्री, x प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, दूसरा लिखेंगे y माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री, और तीसरा लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन। ये तीन इक्वेशन हमारे बन गए। ठीक है, तो इन तीन इक्वेशन से क्या होगा, हम हल करके मान निकालते हैं। देखिए अब जैसे पहले इक्वेशन से हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन x प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, तो x बराबर हो गया 5 माइनस थ्री इज इक्वल टू टू, तो x की वैल्यू दो आ गई तुरंत। दूसरा है y माइनस फोर, y माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री,
वाई बराबर हो गया 3 + 4 = 7, तो एक्स बराबर 2 y = 7। तीसरा आपका दिया है एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2 + 7 = 9। देख लीजिए तीसरे इक्वेशन में 9 के मान के बराबर आ गया, यानी एक्स की वैल्यू 3 और वाई की एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 7, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगली मैट्रिक्स दी गई है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे ख्याल से, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। सातवां दिया है, दे रखा है एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 और ये दिया है 3, ये दिया है 6, इसका मान है 5z इक्वल टू -5 3y² + y और -20। इसमें भी क्या है एक्स प्लस 2 का मान -5 के बराबर होगा, 3 का मान 3 के बराबर होगा, 5z का मान 20 के बराबर होगा, 5z का मान -20 के बराबर होगा और 6 का मान y² + y के मान के बराबर होगा। तो हम इसमें x, y, z का मान निकालना है, तो हम पहला इक्वेशन बनेगा x + 2 = -5, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बना y² + y = 6, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा बनेगा 5z = -20, और तीनों से हमें x, y, z का मान निकालना है। हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लेके चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा x + 2 = -5, तो x = -5 - 2, x = -5 - 2 = -7, तो x = -7, x की वैल्यू क्या आ गई -7 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन टू दो से अगर लेके चले y² + y = 6, y² + y = 6, 6 को इधर ले आए y² + y - 6 = 0, इसका फैक्टराइजेशन किए y² + 3y - 2y - 6 = 0, स्प्लिट द मिडिल टर्म करके हमने किया है। ये क्या होगा, इसमें y कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा y + 3, यहाँ -2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा y + 3 = 0। इससे निकल जाएगा निष्कर्ष y + 3 एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा y - 2 = 0। इट इंप्लाइज y + 3 = 0, तो y = -3 और y - 2 = 0, तो y = 2, तो y की दो वैल्यू जो आ गई y - 3, 2। अगेन बाई इक्वेशन थ्री, तीसरे से मैट्रिक्स बहुत आसान है, इजी वे में है,
सिद्धि, इसको घबराने की कोई बात नहीं है। सवाल आप आंसर मिलाइए, आंसर आपके मिलेंगे, जो कहीं मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है कि आपके आंसर कहीं पे गलत छपे हुए हो, ठीक है। तो ये दिया था 5z = -20, तीसरा इक्वेशन दिया है, तीसरा इक्वेशन हमने लिया था 5z = ठीक है -20। तो 5z = -20, 5z = -20, तो z = हो जाएगा -20/5 -20। तो आपका निकल गया x की वैल्यू, निकल गई x की वैल्यू क्या आई है, x बराबर -7। y की दो वैल्यू आई है, -3.2, क्योंकि स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और z बराबर हो गया है माइनस, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए एंड बी, सबकी वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स दिया है x माइनस टू, यहां पे दिया है a प्लस टू बी, यहां दिया है y, और दूसरे कॉलम में दिया है 3a माइनस बी, और इधर दिया है बराबर -5। सॉरी -5 नहीं, ये दिया है 3, 5, 1, 1 वन वन। हम मैट्रिक्स को जैसे लगाते हैं उसी तरह लगाएंगे। हमारा क्या है कि एक बराबर सब हमको दिख रहा है। अब हम कैसे करेंगे इसको, एक्स माइनस टू का 3 से कांटेक्ट, इसका 5 से, ऊपर y का 1 से और इसका भी 1 से कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो हम क्या देखते हैं, x माइनस टू इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हमारा बना a प्लस टू बी बराबर 5, ये इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन बनेगा हमारा y = 1, ये तीसरा। चौथा है 3a - b = 1, ये नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम देखते हैं वन क्या कह रहा है, एक्स माइनस टू बराबर 3, ये है x - 2 = 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 + 2 = 5, तो x बराबर हो गया 5, ये पहली वैल्यू निकल गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 को अगर एक साथ ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, From equation 2 and 3, 2 और 3 को अगर साथ ले लिया जाए तो दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में दिया है a + 2b = 5, तो इसका मान रख देंगे
ए प्लस टू बी इक्वल टू फाइव, ये क्वेश्चन नंबर टू था। और तीसरा हमारा है 3a माइनस बी बराबर वन, 3a माइनस बी बराबर वन, इससे क्या निष्कर्ष निकला, b बराबर 3a माइनस वन, और यही b की वैल्यू इक्वेशन टू में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन वन टू, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन टू दो में डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह लिखेंगे 3a माइनस, बी की जगह लिख देंगे 3a माइनस वन, ये हो जाएगा ए प्लस दो 3a माइनस वन, ये बराबर हो जाएगा पांच इक्वल टू फाइव, ये हो जाएगा ए प्लस थ्री टू या सिक्स ए माइनस टू इक्वल टू फाइव, ये हो जाएगा सेवन ए बराबर फाइव प्लस टू इक्वल टू सेवन, तो ए बराबर हो जाएगा सेवन बाई सेवन इक्वल टू वन। अब ए की वैल्यू हमने जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमारा ये जो अगला आया था ये तीन वाले में डालेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थ्री, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थ्री, थ्री में डाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी बराबर थ्री ए माइनस वन, तो बी बराबर थ्री ए माइनस वन, बराबर 3a माइनस वन, और a की वैल्यू आई है सेवन, तीन गुणे सात ऋण एक, इक्कीस ऋण एक बराबर बीस, ये a की वैल्यू आ गई। अब a के बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो है वह है तीसरा इक्वेशन y बराबर वन था, तो y की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली ही, तो y बराबर क्या हो गया, by equation 4 y is equal to 1, हमारी सारी वैल्यू गई, x बराबर 5, ठीक है, a बराबर से 1, a बराबर 1 और यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ देखिए x बराबर 5, ए बराबर वन, बी बराबर, बी की वैल्यू हमारी थोड़ी गड़बड़ आई है क्योंकि हमने वन मान रखे हैं, सेवन लिख दिया यहाँ पे, ये जो होगा बी की वैल्यू आ जाएगी दो और वाई बराबर वन, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, यहां पे दिया है मैट्रिक्स में क्वेश्चन नंबर 9 में, ए प्लस बी थ्री, फाइव प्लस सी, ए बी ये बराबर है सिक्स डी माइनस वन ए, तो अब इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी को 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 3 को d से,
इसको माइनस वन से, इसको एट से, ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स, नंबर वन बार। दूसरी है डी बराबर थ्री, नंबर दो बार इक्वेशन। तीसरा है फाइव प्लस सी बराबर माइनस एट, नंबर तीन बार। और चौथी बात दिया है ए बी बराबर आठ, ये नंबर चार बार। तो दो इक्वेशन से तो हमारे क्या कहते हैं मान निकल गए। जैसे ए बी और ए प्लस बी वाला सब हम ले लें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फोर। पहले हल करते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फोर, एक और चार को अगर ले लें तो ए प्लस बी बराबर छ है, ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स, और दूसरा ए बी इक्वल टू एट, ए बी इक्वल टू एट। हमको मालूम है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। यह हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर क्रॉस एट। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू छत्तीस माइनस बत्तीस इक्वल टू फोर। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट फोर, दिस इक्वल टू प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस दो वैल्यू इसकी आएगी ए माइनस बी की। और यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन दिया गया था, वह दिया गया था ये ए प्लस बी फर्स्ट और ये फिफ्थ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, पहले पॉजिटिव वैल्यू लेके ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स, ए माइनस बी इक्वल टू टू, ऐड कर दें, बी से बी कट गया, टू ए बराबर एट, तो ए बराबर एट बाई टू इक्वल टू फोर। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन वन, वन में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा चार धन बी बराबर छ, तो बी बराबर छ माइनस चार बराबर दो। ये पहली सिचुएशन से कंडीशन आई, ये फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन अगर हम ले लेते हैं फ्रॉम वन एंड फाइव, फ्रॉम वन एंड फाइव, दूसरी कंडीशन लेते हैं, हम लिखेंगे ए प्लस बी बराबर छ, ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा कट जाएगा टू ए बराबर फोर, ए बराबर फोर बाई टू इक्वल टू टू। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन वन, वन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा दो प्लस बी बराबर छ, तो बी बराबर सिक्स माइनस टू इक्वल टू फोर। तो ए की दो कंडीशन आई, बी की दो कंडीशन आई, यदि ए बराबर दो आ रहा है तो बी बराबर चार, या a बराबर चार है तो b बराबर दो, ये पहली बात आ गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे a बराबर टू और फोर, a इक्वल टू टू और फोर, और b इक्वल टू कितना फोर और टू, ये दो कंडीशन हमारी आ गई, ठीक।
अब इसके आगे अगर हम चलें तो अगला इक्वेशन हमारे पास बना बनाया दिया गया है। ये दिया गया है इक्वेशन नंबर 3, 5 + c = -1। c = -1, तो सी बराबर हमारा आ जाएगा -1 - 5 = -6। तो सी बराबर हो गया -6, सी की वैल्यू आ गई -6। अब आगे चलते अगला जो इक्वेशन दिया है वो हमको दे दिया था ab = 8, तो एबीसी का d = 3 डायरेक्ट दे रखा है, d = 3। तो हमारी सारी वैल्यू जा गई, a बराबर हो गया 2 और 4, b बराबर हो गया 4 और 2, c बराबर हो गया -6 और d बराबर हो गया 3। यही हमारा आंसर हो गया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट किया जाएगा।